एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल मी. मैं हूँ शालिनी. थैंक यू सो वेरी मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर. इतनी जल्दी नहीं होंगे क्योंकि इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट और लॉट ऑफ स्ट्रगल एज वेल. लेकिन लास्ट मोमेंट में जब हम 9,000 को क्रॉस किए, उसके बाद हमने काफ़ी जल्दी कंप्लीट किया 10,000 सब्सक्राइबर्स. मैंने जून तक का सोचा था कि जून में पूरा होगा. मेरे बर्थडे तक मैंने ऐसा टारगेट बनाया था कि 17 जून तक कंप्लीट कर लेंगे हम. बट यू गाइज मेड इट वेरी इजी. थैंक यू सो मच आपको सबको इंडिविजुअली थैंक यू बोलना चाहती हूँ. इट वॉज़ नॉट अ ईजी जर्नी, डिफ़िकल्ट था, बट आप लोगों ने उसको आसान बनाया, इसलिए थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबको. और इस वीडियो में ना कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं है, मैंने सोचा 10,000 पे कुछ स्पेशल किया जाएगा, बट ये बहुत ही रैंडम व्लॉग है. एक्चुअली आजकल मैं वीडियोज़ नहीं लेके आ पा रही हूँ. मुझे आपको दिखाना है कि आपकी शालिनी दिन भर कहाँ बिजी रहती है जो वीडियोज़ नहीं बना पाती है ना. तो बहुत, आज संडे है वैसे भी, लेकिन मेरे काम में कोई कमी नहीं है, मेरा कोई रेस्ट डे नहीं होता है. तो आइए ले चलते हैं. पहले, सबसे पहले मुझे ना एक फॉर्म भरना है. स्कूल, कोचिंग हम लोग क्या नहीं किए. हम लोग कोलवा में भी साथ में पढ़ते थे. कोलवा मतलब होता क्या, ये भी कहते हैं कोलवा, मतलब जो हम लोग फिफ्थ क्लास तक सीखते प्राइमरी स्कूल को बोलते हैं. वो कोविड होता है, प्ले ग्रुप से लेके पूरा फिफ्थ तक, फिर उसके बाद अलग अलग हो जाता. तू समझा? नो 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 शब्द नहीं मिल रहा, मैं इतनी टैलेंटेड. बाहर इतनी ज़्यादा धूप है लेकिन फिर भी निकलना पड़ रहा है. स्कूटी को सर्विसिंग कराना है, इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा काम लेके जा रही हूँ. रास्ते में बीच में टेलर को मुझे अपना ये जीन्स देना है. बाकी चलो चलते हैं सर्विसिंग. बड़ा ही बोरिंग काम लगता है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा. अब आप बोलोगे, दीदी आप हेलमेट क्यों नहीं लगाए, आपको हेलमेट लगा के चलाना चाहिए था. दीदी का हेलमेट अभी टूट गया है. दीदी इसी हफ्ते एक नया हेलमेट ले लेंगी और लेने के बाद आपको अपडेट भी कर देंगी. ठीक है, जब भी मैं कहीं अकेली रहती हूँ ना, उस टाइम में मैं आप सबको रिप्लाई करना बहुत बेहतर समझती हूँ. ऐसे में मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है, आप सबके रिप्लाईज भी कर देती हूँ और चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल भी आ जाती है. 10,000 हो जाने पर आप सबने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया. थैंक यू. मेरा पूरा दिन तो गए हो, अभी और इंतज़ार करना है 1 घंटे. बन गई मेरी स्कूटी, अब मुझे फटाफट से भागना है यहाँ से. ऑलरेडी 5-6 घंटे लग गए. अब मुझे करना ये है कि साइबर जाना है, साइबर से कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं, जिसके लिए मुझे अभी जहाँ पे उसके एकदम ऑपोजिट दूर जाना है. चलता है, काम है, करना पड़ेगा. कहना थोड़ा आओ नीचे पहन के लो, वरना पहले काम करा लें उसके बाद चलेंगे अंदर. इंतज़ार, सो रही थी ना. वो शाम ही हो गया, 6 बजने वाले हैं. बच्चों खाने चलना है ना. दोस्त के घर पे खाना खाने का सुकून कुछ और ही होता है. अपनी क्लास में अकेले. वैसे अभी मैं पूरा अप्रैल बिजी रहने वाली हूँ, क्योंकि जो भी लोग 6th सेमेस्टर में होते हैं, मतलब मास्टर्स के, उनको पता होगा कि डिसर्टेशन, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, ग्रैंड वाइवा और बैक टू बैक एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, सब कुछ लगे रहते हैं. तो अभी मैं भी इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ. मैं अपना 10,000 का कुछ सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई और आपके लिए वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही. इससे मैं आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा. जैसे अभी भी मैं क्लास में बहुत पहले आ गई हूँ क्योंकि मैं अपना रिसर्च पेपर पढ़ रही थी, जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा. और इसी मंथ में मेरे घर पर शादी भी है, तो शादी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब मैं शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं कर पा रही हूँ. मुझे लग रहा है मैं शादी के एक दिन पहले ही जाऊँगी भी बुआ के यहाँ. प्लीज़ कोऑपरेट कर लो और मेरी इस सिचुएशन को समझो आप. बहुत कुछ प्लान किया है मैंने, पर एग्जीक्यूट कैसे होगा
इस बीच कैसे होगा या फिर फ्री होने के बाद तो मैं कर लूँगी, बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ। और ये CUET का पीरियड है, आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज है, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ कॉप अप विद मी और थोड़ा प्यार दिखाइए प्लीज़, जो हमेशा जैसे आप दिखाते हो ना वैसे। अंधेरा हो बाहर, इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपके ही कुछ सवालों के जवाब दे दूँ जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर पूछा था, ताकि 10K की स्पेशल कोई वीडियो बनाऊँ मैं तो उसमें दे दूँ। अभी कुछ स्पेशल तो कर नहीं पा रहे हैं, रीज़न आपको बता ही दिया है, जब भी करेंगे तब फिर से Q&A कर लेंगे। बाकी अभी कुछ सवाल जो आप लोगों ने पूछे हैं उसके जवाब मैं फटाफट से देना चाहती हूँ और वीडियो को छोटा ही रखना चाहती हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बनारस वाले भैया, योर स्पेशल वीडियो ऑन यूट्यूब एंड वाई। ऑब्वियसली दैट यूट्यूब पेमेंट वाली वीडियो, बिकॉज यूट्यूब पेमेंट जब आती है ना फर्स्ट वाली, इसकी एकदम अलग फीलिंग है जो बता ही नहीं जा सकती शायद से। मैं वीडियो में भी जितना बताई हूँ कहीं ना कहीं 50% ही है, क्योंकि एक बहुत स्पेशल फीलिंग होती है, आप इतने टाइम मेहनत के बाद, वो बहुत बहुत रेयर लोग होते हैं जो एक महीने के अंदर उनका चैनल तुरंत मोनेटाइज हो जाता है, तुरंत पेमेंट आते हैं, उनको वो वैल्यू नहीं पता होगी उस मनी की, कि कितने स्ट्रगल होते हैं वॉच टाइम कंप्लीट करने में, एक सिंगल वीडियो को इम्प्रूव करने में, अपलोड करने में, सारी चीज़ें, है ना। मेरा तो फिर भी 3 साल बाद यूट्यूब पेमेंट आई थी, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल फीलिंग थी और वहीं से एक मेरा कॉन्फिडेंस भी लेवल अप हुआ। तो वो पैसे नहीं, वो ऐसा लग रहा था किसी ने कॉन्फिडेंस भेजा हो मुझे, है ना। तो वो स्पेशल वीडियो है मेरी बहुत ज़्यादा, आज आपने याद दिला दिया, मैं फिर से आज उस वीडियो को देखूंगी और थोड़ी मोटिवेशन लूंगी, बिकॉज वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ आजकल मैं, हालांकि इसके जेन्युइन रीजंस भी हैं। बट ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी यूज़र आईडी ने, मतलब यूज़र नाम से इन्होंने पूछा, आर यू सिंगल। अगर उस रात मेरे क्रश ने मुझे रिप्लाई दे दिया होता तो आज मैं पूरे हक से कहती कि नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। Anyways, next question ki you guys really wanted to know this from my side ki main single hu ya nahi, dm mein bujh private, are ek bar to mail bhi aaya tha ek do logon ka ki aisa waisa, they really wanted to know my relationship status, but I'm not comfortable yet ki main aapko apni personal cheeze share karu, baki aapko meri activities se nahi samajh mein aata kya, ha ha, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन नीवी ब्रदर्स पूछ रहे हैं, कैन यू गाइड मी हाउ टू टेक एडमिशन इन BHU फॉर MCA विदाउट क्रैक। ओ, विदाउट क्रैक दिस इज़ रियली नॉट पॉसिबल, कोई अप्रोच, कोई जुगाड़ इसे बोलते हैं यहाँ BHU के एडमिशन में, स्पेशली NTA UGC तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जुगाड़ से आप, आपको एक ही रास्ता है, CUET क्रैक करो और एडमिशन पाओ। आपके मतलब ऐसा बोला जाता है कि जैसे मतलब मेरे पापा खुद डीन क्यों ना हो, मेरे पापा खुद VC क्यों ना हो BHU के, आपको CUET क्रैक करना ही करना होगा, तो इसमें कोई जुगाड़ नहीं चलता है, आपको क्रैक करना पड़ेगा। अदिति पूछती हैं कि अबाउट यूट्यूब पेमेंट नाउअडेज। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब और भी क्रिएटर्स के वीडियोस देखे, कि जो यूट्यूब की पेमेंट वाली जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है इस बीच। बाकी अगर आप मेरे यूट्यूब पेमेंट के बारे में जानना चाहते हो, तो अभी इस मंथ जो यूट्यूब पेमेंट आएगी वो मेरी सिक्स्थ यूट्यूब पेमेंट होगी, और आई जस्ट कांट वेट, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। यूट्यूब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देता, बट हाँ इतना देता है कि मैं अपने महीने भर के एक्सपेंसेस बहुत आराम से चला लेती हूँ, और बाकी मेरे और भी सोर्स ऑफ इनकम है, लाइक इंस्टाग्राम भी है और अफिलिएट मार्केटिंग भी है, और एक दो और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिससे मिलके ढंग का पैसा आ जाता है, YouTube इज़ वन ऑफ देम। लेकिन YouTube का पैसा कम होता है लेकिन दिल पे राज करता है, मतलब ऐसा लगता है कि असली मेहनत तो इसी में लगी है ना, तो दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग अबाउट YouTube पेमेंट। बाकी ओके, इसमें कुछ ना तारीफ़ वगैरह भी है, उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी सारी चीज़ें पढ़ूंगी तो। बाकी सुमेधियन फॉर एवर ये बहुत ही प्यारा कमेंट हमेशा करती है, मतलब अपने कमेंट से तो दिल जीत लेती हैं ऐसा कहेंगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव यू दी, मे योर चैनल कंटिन्यू टू ग्रो मोर, मे यू रिसीव लव फ्रॉम मैनी मोर सब्सक्राइबर्स, एंड गैस द क्वेश्चन इज वेन विल यू प्लानिंग अ बिग मीटअप। ओके, सो 10K पे मैंने कुछ स्पेशल किया नहीं, और अभी मुझे अगले एक दो महीने तक ऐसा कुछ मीटअप का सीन दिख नहीं रहा है, बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली, एक बार मैं फ्री हो जाऊँ अपने कॉलेज वगैरह सारी चीज़ों से तो ढंग से प्लान करेंगे, है ना। जून तक मैं अपने कॉलेज आने, कोर्स मेरा खत्म हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊँगी और मेंटली अगर कहीं सेट होना रहेगा तो हो जाऊँगी, और अगर ड्रॉप करने वाली रहूँगी तो वो भी बता दूंगी सारी चीज़ें, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीदी रियाज ने पूछा, रियाज दिव्यांग ने पूछा है कि दीदी आप इंस्टाग्राम से इनकम करते हो, प्लीज़ रिप्लाई। येस, इवन यूट्यूब से थोड़ा ज़्यादा ही मैं बोलूँगी, या फिर इंस्टाग्राम वाला ईजी होता है, बिकॉज इंस्टाग्राम पर मेरे अभी थोड़े अच्छे फॉलोवर्स हैं, मतलब एक्टिव हैं और अच्छे फॉलोवर्स ही बोलेंगे, बिकॉज रीच अच्छी है अभी फ़िलहाल, तो क्योंकि मैंने मेहनत भी किया है ना, तो वहाँ पर आप
पर्टिकुलरली एक रील कोई ब्रांड से आप कोलैबोरेट कर रहे हो, किसी पेज से कोलैबोरेट कर रहे हो, तो उसको आप डायरेक्टली बता देते हो कि आपके क्या कॉमर्शियल्स हैं, आप पर रील कितना चार्ज करते हो। तो आप जैसे मेरा जो भी है, मैं यहाँ पर डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करूँगी उस चीज़ को, पर हाँ सबके अपने अलग अलग कॉमर्शियल्स होते हैं, तो वहाँ थोड़ा ईजी लगता है मुझे इन कंपेरिजन टू यूट्यूब। यूट्यूब पर क्या है, एक थ्रेश होल्ड को कम्प्लीट करना पड़ता है आपको, फिर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो येस आई डू अर्न यू नो मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। गोविंद पाल जी पूछ रहे हैं, दीदी आप अपने इस पाल समाज के बारे में क्या सोचती हैं और क्या मैसेज देना चाहती हैं? पाल समाज मतलब जो मेरा कास्ट है, जो हमारी कम्युनिटी है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ओके सो पाल समाज बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं सोची हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे जो जैसे कोई पाल समाज के भाई बंधु जो भी मुझे मैसेज करते हैं, या मुझे कभी पॉजिटिविटी उसमें दिखी नहीं है। बहुत कम लोग आते हैं, जितने भी लोग दिखे हैं अपने बुरे इंटेंशन से आते हैं, अपने क्रिटिसिज्म के लिए आते हैं, मतलब वो बढ़ावा नहीं देते हैं बल्कि और डीमोरलाइज कर देते हैं, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और सपोर्ट तो मुझे अभी तक कोई ऐसा किसी अलग से किसी पाल का नहीं मिला है, तो मैं बहुत अच्छा नहीं सोचती हूँ। इस चीज़ की शिकायत है मुझे कि अपने एटलीस्ट अपने कम्युनिटी की कोई लड़की जो आप अच्छा कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए चीज़ों का। बाकी आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगता है। बाकी मैं अपने साइड से कोशिश कर रही हूँ कि मैं पाल समाज का नाम रोशन करूँ। मुझे भी YouTube स्टार्ट करना है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या स्टार्ट करूँ, प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करिए। देखिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि मुझे लोगों की हेल्प करने में, कोई नॉलेज आपको बताने में, या फिर अपने शहर के बारे में बताने में, अपने कॉलेज के बारे में बताने में, इस चीज़ को करके मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं किसी भी तरीके से अपने लोगों की हेल्प करूँ। तो ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साइड में इंक्लाइंड हूँ, और कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल को भी आपको बताना चाहती हूँ, तो ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसे ही आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में है, डांस में है, सिंगिंग में है, फैशन में है, ब्यूटी में है, DIY में, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो बस उसी नाम से चैनल बना दो, आप स्टार्ट कर दो। धीरे 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 स्टार्टिंग में बहुत परफेक्ट नहीं होगी, आप धीरे धीरे बोलना सीखो, धीरे धीरे वीडियो एडिट सीखो, धीरे धीरे कैसे अपलोड करना, ये सारी चीज़ें तो विद टाइम हो जाएंगी। बाकी पहले आपको डिसाइड करना है कि किस चीज़ पे वीडियो बनानी है। नो क्वेश्चन, बस आगे बढ़ते रहो। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस की तो भरमार लग गई थी जब 10K कंप्लीट हुआ था, ऐसा लग रहा था मेरा बर्थडे है, मज़ा आ गया मुझे, थैंक यू सो मच। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, मतलब मुझे प्यारा लग रहा है। कोमल सिंह पूछ रही है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मालवी अकेडमी क्लासेस? ओके, अभी रिसेंटली हमने सूरज सर के साथ वीडियो बनाई थी, और बाकी मालवी अकेडमी से ऐसे देखा जाए तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टिल आई फील वेरी स्पेशल अबाउट दैट अकेडमी बिकॉज दे आर डूइंग ग्रेट, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनके फैकल्टीज मेंबर काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। और लेना देना नहीं है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि सूरज सर हमारे अलुमनाई हैं BHU के, हमारे सीनियर रह चुके हैं, भैया जैसा मैं मानती हूँ और बोलती भी हूँ। तो और मैं, मेरी कज़न भी वहाँ पे अभी प्रिपरेशन कर रही है, और वहाँ के बहुत से लोग वहाँ से पढ़े हुए निकलते हैं, और जो लोग वहाँ से निकलते हैं वो यू नो मालवियंस फॉर एवर हो जाते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स को कंबाइन करके देखा जाए तो मैं यही कहूँगी मालवीय अकेडमी इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट जो CUET के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और बाकी फर्दर और भी प्रोग्राम्स हैं उनके प्रिपरेशन वगैरह के। तो अभी मेरे नॉलेज में, मेरी आंखों में सबसे बेस्ट अभी इस एरिया में मालवीय अकेडमी। ओके सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट मालवीय अकेडमी। बाकी थैंक यू सो वेरी मच, मैं कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई हूँ, आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं कर पाई हूँ बिकॉज इतना बिजी चल रही हूँ ना, बट जब भी खाली होंगी आराम से आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगी। आप ऐसे ही प्यार बनाते रहो, बना देना यार मेरे लिए अलग से बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो बाय। बाकी मैं अपडेट देती रहूँगी कम्युनिटी टैब पे। मैं वेट कर रही थी स्टोरी फीचर का, बट अभी मुझे पता चला है कि 10K के बाद स्टोरी फीचर को बंद कर दिया गया है, अब नहीं मिल रहा है, तो अब उसका इंतज़ार मैं नहीं करूँगी। कम्युनिटी पोस्ट पे आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये वीडियो को पसंद, जो भी अच्छा, जो भी पार्ट अच्छा लगा हो आपको, या फिर कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, या फिर कुछ अलग से आप बताना चाहते हो, तो प्लीज़ बताना, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू थैंक यू। अब शुरू से लेकर अभी तक जितना भी सपोर्ट किया बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 10K के बाद ये मेरी पहली वीडियो होगी, जबकि मुझे 10K के बाद और एक्टिव हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, आप भी मेरी प्रॉब्लम्स को समझना थोड़ा सा, ठीक है, चलो बाय।